Hello friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. तो friends, आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ चॉकलेट केक रोल। देख सकते हैं देखने में कितना ज्यादा यमी लग रहा है, खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और घर में आप इसको बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो देख लेते हैं झटपट से इसकी रेसिपी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए। उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, आप बेफिक्र होकर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हमारा आज के वीडियो। यमी चॉकलेट रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसका बैटर। इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है 1/4 कप ऑयल, उसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर। इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 1/2 कप दही। इन सब चीजों को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका एक इस टाइप से पेस्ट बना लेंगे। जब हमारा पेस्ट बन जाएगा तब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर रखी एक चलनी, उसमें मैं सबसे पहले ऐड करूंगी मैदा। जो भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे उनको आप सीव करके ही ऐड करें ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, उसके बाद 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। अब क्योंकि हम यहाँ पर चॉकलेट रोल्स बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कोकोआ पाउडर, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इन सब चीजों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सीव कर लीजिए और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो मैं यहाँ पर लगभग 1 कप मिल्क का यूज करूंगी और कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। आप देख सकते हैं पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। जब ये पेस्ट आपका रेडी हो जाए उसके बाद हम इसको बनाने वाले हैं फ्राइंग पैन में। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक फ्राइंग पैन, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि जो भी बैटर हम इसमें पोर करें वो इस पर चिपके नहीं। तो इस तरीके से इसको ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रख दूंगी एक तवे के ऊपर। आपको डायरेक्टली इसे हीट पर नहीं रखना है, आपको सबसे पहले नीचे रखना है लोहे का तवा, उसके ऊपर हमने ये नॉनस्टिक पैन रख दिया है। अब पैन तो अच्छे से ग्रीस हो ही चुका है तो मैं यहाँ पर इस बैटर को इसमें पोर कर दूंगी। आपको उतना ही बैटर इसमें पोर करना है ताकि ये अच्छे से फैल जाए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि खुद ही फैल गया है, हमें बिल्कुल भी फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इस टाइप से आप चाहें तो जितना पतला या जितना मोटा इसको बना सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखिए तो ये परफेक्ट बनेगा। अब इसके बाद इसको ढककर लगभग 15 मिनट तक आपको इसे पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें इस टाइप से होल्स बन गए हैं और जब हमने टूथपिक इंसर्ट की है तो वो बिल्कुल क्लीन आउट बाहर आ गई है। इट मीन्स कि ये रोल बिल्कुल रेडी है। तो मैंने यहाँ पर एक सिल्वर फॉइल ली है, उसके ऊपर इस रोल को इस तरीके से टर्न कर लेना है। जस्ट लुक एट दिस, वाओ कितना अच्छा इसके अंदर जाली बनी है। इट मीन्स कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। तो जब ये इस तरीके से आपका रेडी हो जाए, आप देख सकते हैं जला हुआ बिल्कुल भी नहीं है, परफेक्टली कुक्ड हुआ है क्योंकि हमने डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर नहीं रखा था। अगर आप डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो ये जल भी सकता है। तो इसका ध्यान हमेशा जरूर रखें कि आपको पहले एक नीचे लोहे का तवा रखना है, उसके ऊपर दूसरा वाला पैन। इसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है 10 से 15 मिनट के बाद। जब ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो मेरे पास है यहाँ पे व्हिप क्रीम, इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। क्योंकि रोल्स बन रहे हैं तो जब तक क्रीम ना लगे तब तक तो टेस्ट आएगा ही नहीं ना। तो बस इस तरीके से इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए तब हम इसको रोल करेंगे। आप देख सकते हैं काफी अच्छी मोटी व्हिप क्रीम मैंने इसमें लगा दी है। आप चाहे तो थोड़ी पतली लेयर भी लगा सकते हैं, चाहे तो थोड़ी मोटी। फिर बहुत ही हल्के हाथों से इसको रोल कर दीजिए। रोल करने के बाद आपको इसे इस तरीके से सिल्वर फॉइल में पैक करके फ्रीज में रख देना है। लगभग 2 से 3 घंटे इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ। 3 से 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्रीज से निकाल लिया है और ये काफी अच्छे से सेट हो चुका है। तो इस तरीके से इसको निकालने के बाद मैंने यहाँ पर रख दिया है इसको इस टेबल पर। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इस रोस्टर का, क्योंकि अभी हम इसको गार्निश करने वाले हैं। तो इसके ऊपर इसको रख दीजिए और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ चॉकलेट गनाश। ये रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे से इसकी लेयर इसके ऊपर डाल दीजिए,
जितना भी एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश होगा वो सब कुछ नीचे निकल जाएगा और आपका जो स्पेस है वो खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको पोर करने के बाद जो कलरफुल बॉल्स आती हैं उससे इसको डेकोरेट कर दीजिए, तब ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ऑसम लगेगा। खाने में तो आप समझ ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार इस तरीके से इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो इसे भी 5 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसी तरीके से कट कर लीजिए। कट करने का तरीका देख लीजिए, साइड से एक एक रोल आपको इस टाइप से निकाल देना है क्योंकि वो परफेक्टली शेप में नहीं आएगा। तो दोनों साइड के रोल्स इसी टाइप से निकालने हैं, उसके बाद बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको इसे कट करना है। एंड जस्ट लुक एट दिस, वाओ, इट्स लुकिंग सो यमी एंड सो ब्यूटीफुल। एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, आई एम डैम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे आपको मेरे इस चैनल पर। मिलती हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।